विदिशा जिले के पठारी में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह से हल्की बारिश के बीच सभी संस्थाओं के स्कूल के बच्चों की प्रभात फेरी नगर के प्रमुख मार्गों से निकली। शासकीय एवं अर्धशासकीय निजी कार्यालयों पर झंडा बंधन किया गया। ध्वजारोहण के बाद कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं सुपीरियर कॉन्वेंट स्कूल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। ग्राम पंचायत भवन पर सरपंच राखी पंती, तहसील भवन पर तहसीलदार अभिषेक पांडे, थाना भवन पर थाना प्रभारी विमलेश राय, झंडा चौक पर सरपंच रितेश जैन, हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य चंद्रेश यादव, शासकीय उचित मूल्य पर ठाकुर देवेंद्र सिंह, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य प्रकाश रिझारिया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर सुपरवाइजर अरविंद शर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर शर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिवम तोमर, पशु चिकित्सालय में डॉक्टर पल्लवी सानी ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा कई स्थानों पर सुबह से झंडा बंधन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। सामूहिक रूप से सभी शासकीय स्कूल के संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन कन्या माध्यमिक शाला प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां पर स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। यहां पर सिर्फ मित्र एवं बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर बच्चों को मोबाइल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सरपंच राखी पंथी उप सरपंच सुमन व्यास ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के युवकों ने नगर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष सोनिका हरिनेश यादव सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।